डीजे इंग्लिश हब चैनल में आप सबका स्वागत है बच्चों आज आप लोगों के क्लास टेंथ का अंतिम पेपर था और वो था इंग्लिश तो चलिए इस वीडियो में हम मिला लेते हैं कि आपने जो एम सी क्यूज अटेम्प्ट किए फोर्टी मार्क्स के वो कितने सही थे और कितने गलत आपका सेक्शन ए था रीडिंग सेक्शन जिसमें कल्पना चावला पर एक पैसेज दिया हुआ था और पहला सवाल था दिस पैसेज इज अबाउट जिसमें ऑप्शन थे टगोर स्कूल कल्पना चावला इंजीनियरिंग कॉलेज एंड नन ऑफ दीज तो आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी ही पैसेज कल्पना चावला पर बेस्ड है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू कल्पना चावला क्वेश्चन नंबर टू करनाल इज़ अ स्मॉल टाउन इन ऑप्शन वर हरियाणा अमेरिका पंजाब एंड नन ऑफ दीज ये आंसर भी पैसेज में काफ़ी क्लियरली लिखा हुआ था कि इट इज़ इन हरियाणा तो आपका राइट आंसर था क्वेश्चन टू ऑप्शन वन हरियाणा क्वेश्चन नंबर थ्री शी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट तो यहाँ शी यानी कल्पना चावला के बारे में पूछा जा रहा है और इसमें डेट्स दिए हैं 1976, 1982, 1995, नाइनटीन सेवन तो ये डेट भी आपके पैसेज में क्लियरली लिखा हुआ है दैट इन मार्च 1995 नाइन्टी फाइव शी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट सो आपका राइट right आंसर होगा ऑप्शन थ्री 1995 चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे क्वेश्चन नंबर फोर हर फर्स्ट फ्लाइट वॉज फॉर डैश डेज आपको बताना है कि जब कल्पना चावला ने पहला उड़ान भरा था तो वो कितने दिनों का था तो ये उत्तर आपका छिपा है इसके लास्ट लाइन में शी मेड हर फर्स्ट फ्लाइट इन एन अमेरिकन स्पेस शटल फॉर फिफ्टीन डेज़ तो क्वेश्चन फोर का राइट right ऑप्शन होगा ऑप्शन टू फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फाइव एस्ट्रोनॉट इज़ अ पर्सन हो एस्ट्रोनॉट हम किसे कहते हैं बच्चों इसका ऑप्शन दिया हुआ था ट्रेवल्स इन स्पेस लाइक्स टू ट्रैवल स्टडीज अबाउट स्टार्ज एंड नन ऑफ दीज तो इसका राइट right आंसर होगा ट्रैवल्स इन स्पेस नेक्स्ट पैसेज आधारित था प्लास्टिक पे जिसमें प्लास्टिक के उपयोग और उसके हानियों के बारे में बताया गया था तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या था क्वेश्चन नंबर सिक्स चूज द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द गिविन पैसेज आपको एक शीर्षक चुनना है जिसमें से तो ऑप्शंस थे एनिमल लाइफ प्लास्टिक पोल्यूशन प्लांट लाइफ अर्थ लाइफ तो ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये पूरी पैसेज लिखी है प्लास्टिक प्रदूषण पे तो इसका राइट right ऑप्शन था ऑप्शन टू प्लास्टिक पल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेवन उसी पैसेज पे था व्हाई इज़ प्लास्टिक यूज्ड एवरीवेयर प्लास्टिक का यूज आखिर लोग क्यों करते हैं हर जगह सबसे पहला था ऑप्शन पीपल आर कंपेल्ड टू यूज़ इट कंपेल्ड यानी उनकी मजबूरी होती है उन्हें बाध्य किया जाता है इस्तेमाल करने के लिए या ऑप्शन टू इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर अस ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है या ये हानिकारक नहीं है क्वेश्चन थ्री है इट इज़ चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज़ काफ़ी सस्ता और काफ़ी सरलता से उपलब्ध है हमें मिल जाता है आसानी से एंड ऑप्शन फोर था इट हैज़ बिकम अ सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक एक दिखावा का एक एक सिंबल बन चुका है इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल पहले ही लाइन में मौजूद है दैट प्लास्टिक इज़ यूज्ड एवरीवेयर बिकॉज़ इट इज़ चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज़ तो आपका राइट right ऑप्शन था ऑप्शन थ्री इट इज़ चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज़ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट प्लास्टिक इज़ हार्मफुल फॉर प्लास्टिक किसे हानि पहुँचाता है ऑप्शन वन पीपल ऑप्शन टू प्लांट्स ऑप्शन थ्री एनिमल्स एंड ऑप्शन फोर ऑल ऑफ दीज तो ये आप अगर पैसेज को ना भी पढ़ें तो आप एक गेस्वक कर चुके हों हुँ, होंगे उस वक्त कि सभी के लिए प्लास्टिक काफ़ी हानिकारक है तो इसका राइट right आंसर होगा ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी क्वेश्चन नंबर नाइन वट शुड वी बी अवेयर ऑफ अकॉर्डिंग टू द पैसेज अ पैसेज में हमें किस चीज़ के बारे में जागरूकता रखने की बात की जा रही है ऑप्शन वन द बैड इफेक्ट्स ऑफ वॉचिंग टी वी ऑप्शन टू द बैड इफेक्ट्स ऑफ ईटिंग जंक फूड ऑप्शन थ्री द बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग एंड ऑप्शन फोर द बैड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक तो पूरे पैसेज में ना तो टी वी की बात की गई है ना ही जंक फूड के बारे में ना ही स्मोकिंग के बारे में धूम्रपान के बारे में तो आपका राइट right ऑप्शन था ऑप्शन फोर द बैड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक क्वेश्चन नंबर टेन वोकेबलरी बेस्ड था द ऑपोजिट ऑफ हार्मलेस इज हार्मलेस यानी कि जिससे कोई नुकसान ना हो तो इसका विपरीत या ऑपोजिट क्या होगा ऑप्शन वन पॉल्यूशन ऑप्शन टू हार्मफुल ऑप्शन सी अवेयर ऑप्शन डी चीप तो हार्म से यदि आपने कोरिलेट भी किया होगा तो इसका राइट आंसर आपको मिल चुका होगा ऑप्शन टू हार्मफुल अब आते हैं सेक्शन बी पे क्वेश्चन नंबर थ्री चूज द करेक्ट ऑप्शन ये आपका ग्रामर बेस्ड है और कहा गया था आर यू राइटिंग अ लेटर ये जो क्वेश्चन है दिस सेंटेंस इज़ इन ये किस टेंस में है और ऑप्शन थे आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नन ऑफ दीज तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राइटिंग लिखा है तो राइटिंग अपने आप एक आई एन जी फॉर्म है तो वो कंटिन्यूस है और हैज एव हैड का प्रयोग आप कहीं भी नहीं देख रहे हैं तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन टू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व शी ऑलवेज डैश द ट्रुथ वो हमेशा सच कहती है तो कहती है के लिए कौन सा वर्ड हम यूज़ करेंगे ऑप्शन वन स्पीकिंग ऑप्शन टू स्पोक्ट ऑप्शन थ्री स्पीक या ऑप्शन फोर स्पीक्स तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम सब्जेक्ट में सिंगुलर की बात करते हैं शी यानी यहाँ पर एक की बात हो रही है तो इसके साथ में हम जो भी वर्ड यूज़ करेंगे उसमें एस लगाएंगे तो इसका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन फोर स्पीक्स क्वेश्चन नंबर थर्टीन दे डैश डांस वेल अब यहाँ पे कुछ करने की बात हो रही है कि वो ये कर सकते हैं तो इसका राइट right ऑप्शन चारों में से कौन सा होगा वन कैन टू शैल थ्री ऑट एंड एंड फोर नान ऑफ दीज तो इसका राइट right आंसर था कि वो वे नाच सकते हैं यानी दे कैन डांस वेल सो राइट आंसर इज ऑप्शन वन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन डैश गॉड हैव मर्सी ऑन यू भगवान आप पर भगवान आपका भला करे तो यहाँ पे जो आपके मॉडल्स के एग्जाम ऑप्शन हैं जो आपके मॉडल्स के ऑप्शन हैं वो हैं नंबर वन मस्ट नंबर टू शुड नंबर थ्री कैन और नंबर फोर मे तो इसमें हो जाएगा मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू भगवान आपका भला करे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन शी ऑट डैश हर पेरेंट्स अब बच्चों अगर आपने ग्रामर की प्रैक्टिस की होगी तो ऑट के साथ आपने देखा होगा कि जो वर्ड लगता है वो है टू तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में जिस ऑप्शन में टू है वो है ऑप्शन थ्री टू ओबे तो यहाँ पे राइट आंसर होगा शी ऑट टू ओबे हर पेरेंट्स नेक्स्ट डैश इज़ इंजोरियस टू हेल्थ सेहत के लिए इंज्यूरियस यानी हानिकारक है तो ये बहुत ही कॉमन एक फ्रेज़ है हमने आसपास काफ़ी बार इसके पोस्टर भी देखे होंगे और इसके ऑप्शंस थे स्मोक्ड स्मोकिंग टू स्मोक नन ऑफ दीज तो ये एक जनरल हैबिट की बात हो रही है तो हम यूज करेंगे ऑप्शन टू यानी स्मोकिंग स्मोकिंग इज इंजेरियस टू हेल्थ क्वेश्चन सेवनटीन आपका बेस था पैसिव और एक्टिव पे पैसि वॉयज ऑफ बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल इज इसका पैसेव वॉयज आपको ढूंढना था ऑप्शन थे फुटबॉल प्लेड बाई बॉयज़ फुटबॉल इज प्लेड बाई बॉयज़ फुटबॉल इज बींग प्लेड बाई बॉयज़ एंड नन ऑफ दीज तो यहाँ पे आपने लोकेट किया होगा कि इस बींग का यूज़ जिस ऑप्शन में हो रहा है वो है ऑप्शन थ्री तो राइट आंसर विल बी फुटबॉल इज बींग प्लेड बाई बॉयज़ फुटबॉल लड़कों द्वारा खेला जा रहा है क्वेश्चन नंबर एटीन आई डोंट नो डैश शी इज़ क्राइंग आई डोंट नो का अर्थ है कि मुझे नहीं पता और क्राइंग यानी रोना तो दोनों को मिलाकर आपने गेस किया होगा कि मुझे नहीं पता कि वो क्यों रो रही है तो यहाँ पे क्यों के लिए कौन सा क्वेश्चन वर्ड आप यूज़ करेंगे ऑप्शन थे आपके नंबर वन वॉट नंबर टू वाई नंबर थ्री विच और नंबर फोर वेयर तो इसका राइट right आंसर क्या होगा येस ऑप्शन थ्री वाई आई डोंट नो वाई शी इज़ क्राइंग मुझे नहीं पता कि वो क्यों रो रही है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन कैन यू टेल मी डैश विल टीचर्स इंग्लिश क्या आप मुझे बता सकते हो कि हमें इंग्लिश कौन पढ़ाएगा तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि अगर इंग्लिश पढ़ाने की बात हो रही है तो वो एक टीचर होंगे तो कहीं ना कहीं वो एक नाउन है तो ऑप्शन आपके थे विच वॉट हाउ हु तो हु यानी कौन हमें पढ़ाएगा तो इसका राइट right ऑप्शन था ऑप्शन फोर हु कैन यू टेल मी हु विल टीच टीचर्स इंग्लिश कौन हमें अंग्रेजी पढ़ाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ग्रामर में बेस था डायरेक्ट एंड स्पीच पे इनडायरेक्ट स्पीच आपको ढूंढना था और सेंटेंस था ही सेड आई एम फाइन उसने कहा कि मैं ठीक हूँ और इसके ऑप्शंस थे वन ही सेड ही इज़ फाइन ही सेड ही वॉज़ फाइन थ्री ही सेड दैट ही इज़ फाइन ही सेड दैट ही was फाइन तो यहाँ पर आपने एक बार दैट को लोकेट किया होगा आपको that लोकेट करना था और हम जब बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो वहाँ पर हम पास टेंस में बातों को रखेंगे तो इज आपका बन जाएगा वॉज तो इसका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन फोर ही सेट दैट ही वॉज फाइन अब बढ़ते हैं सेक्शन सी के तरफ जो कि लिटरेचर बेस्ड था और पहला ही पैसेज आपका दिया हुआ था लेटर टू गॉड चैप्टर से पहला क्वेश्चन था हु रेड द लेटर चिट्ठी किसने पढ़ी तो इसका राइट right आंसर लेंचो पोस्टमास्टर पोस्टमैन और फार्मर में से क्या होगा पोस्टमास्टर मास्टर यस yes. क्योंकि यहाँ लिखा है द पोस्ट मास्टर वेन टू ओपन इट अगर आपने चैप्टर ना भी पढ़ा हो तो इस पैसेज से आपको मिला होगा उत्तर तो लेटर किसने पढ़ा पोस्ट मास्टर ने ऑप्शन टू क्वेश्चन ट्वेंटी टू हु इज आई इन दिस पैसेज आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि सेंड मी द रेस्ट सेंस आई नीड इट वेरी मच तो ये जो बातें हैं ये लेंचो कह रहा है तो आई यहाँ किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है ऑप्शन वन दैट इज लेंचो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री हाउ मच मनी डिड लंचो रिसीव लंचो को कितने पैसे मिले थे अगर आप देखें पैसेज में तो यहाँ पर बात लिखी हुई है ओनली सेवेंटी पेसोज रीच्ड मी तो इसका राइट ऑप्शन था ऑप्शन टू सेवेंटी पेसोज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर वो कैबुलरी बेस्ड था फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डिसऑनेस्ट पर्सन तो यहाँ पे ऑप्शन है सिंस रेस्ट मेल क्रुक्स तो इन चारों वर्ड में से आप अगर पैसेज में भी देखते तो आपको दिखेगा कि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉज़ वर अ बंच ऑफ क्रूक्स तो क्रूक्स हम ठगी व्यक्तियों को कहते हैं तो यहाँ पे डिसऑनेस्ट की जगह पे जो सिनोनिम होगा वो है ऑप्शन फोर क्रूक्स अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव जो आपका दिया गया था नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर से क्वेश्चन था व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला मंडेला कहते हैं कि इंसान इंसान के दिल के लिए कौन सी फीलिंग नेचुरल है वो खुद ब खुद आ जाती है और ऑप्शन थे नंबर वन हेट नंबर टू लव नंबर थ्री जेलसी नंबर फोर फेलियर तो इसका राइट ऑप्शन होगा लव यहाँ पे हमने थ्री लिख दिया है गलती से इसको टू पढ़ा जाए and thanks to rohit for sharing the question paper with me to isko hum tick karenge question option number 2 love question 26 jo aapki li gayi thi chapter se from the diary of anne frank usme pucha gaya hai in which subject was anne not sure of passing वो sure नहीं थी कि वो pass करेगी क्योंकि आपको कहानी यदि याद है तो उसमें उसे लगता था कि जो मैथ्स टीचर है वो काफ़ी उससे अनॉयड रहते हैं खफा रहते हैं तो इसके ऑप्शंस थे साइंस इंग्लिश मैथ्स नन ऑफ दिज इसका राइट right आंसर क्या था ऑप्शन थ्री मैथ्स एंड वॉज नॉट श्योर ऑफ पासिंग इन मैथ्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन दिस चैप्टर वॉज टेकन फ्रॉम टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग और पूछा गया था द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट उसमें दो कहानियाँ थी हिज फर्स्ट फ्लाइट कहानी जो है वो किसके बारे में थी ऑप्शन थे फार्मर सीगल गर्ल गर्ल एंड साइंटिस्ट तो ये हिज फर्स्ट फ्लाइट जो स्टोरी थी वो किसके बारे में थी ऑप्शन टू अबाउट सी गर्ल अ यंग सी गर्ल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टैक्ट ऑन इज वे तो ये क्वेश्चन भी आपका उसी पार्ट से लिया गया है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग और इसके ऑप्शन थे इंडिया पैरिस इंग्लैंड रशिया तो इसका राइट right आंसर था ऑप्शन टू एंड द आंसर वॉज पैरिस अब आ जाते हैं पोइट्री सेक्शन में पोइट्री सेक्शन में सबसे पहला जो आपका पोएम है वो आप अगर देखें ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वॉटर होल वेयर प्ल्प डियर पास ये जो पोएम है ये लिया गया है आपका कौन सा पोएम से टाइगर इन द जू तो पहला ही क्वेश्चन था कि हु हैज रिटर्न दिज लाइन्स इसके कवि कौन है तो इसका ऑप्शन आप देख रहे हैं ऑलरेडी मार्क्ड है द ऑप्शन राइट ऑप्शन वॉज ऑप्शन थ्री लेजली नॉरे क्वेश्चन नंबर थर्टी अब इस पोएम में जो ही का इस्तेमाल हो रहा है वो किस एनिमल के लिए हो रहा है एंड द वर वन लेपर्ड टू हाइना थ्री बियर एंड फोर टाइगर सो यर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन फोर टाइगर नेक्स्ट वॉट डज प्लम्प मीन इफ यू लुक एट द स्टैंडा यहाँ पे लिखा है वेयर प्लम्प डियर पास तो बच्चों ये प्लम्प एक वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है और प्लम्प का अर्थ यहाँ ऑप्शन में दिए हुए थे स्मॉल थिन फैट स्लिम तो यहाँ पे प्लम का अर्थ है ऑप्शन थ्री फैट लास्ट उसमें था वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू हिज एक्सट्रैक्ट ये जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है या कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं इसके हिसाब से ये जो ही है ही यहाँ पे कौन है हमने अभी माना टाइगर तो टाइगर को कहाँ होना चाहिए कवि के हिसाब से ऑप्शन वन जू ऑप्शन टू जंगल ऑप्शन थ्री पार्क ऑप्शन फोर मार्केट तो उसे खुले में होना चाहिए तो इसका राइट right ऑप्शन था ऑप्शन टू जंगल अगला क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री था आपके जिस पोएम से वो था द डस्ट ऑफ स्नो और यहाँ पे बात की गई थी क्रो की और हेमलॉक ट्री की और पूछा गया है द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सेम्बलाइज ऑप्शन वन हैप्पीनेस ऑप्शन टू डेथ ऑप्शन थ्री सौरो एंड ऑप्शन फोर नन ऑफ दीज तो यदि आप इन दोनों के बीच में कन्फ्यूज़ हुए होंगे तो एकदम क्लियरली ये चीज़ बताया गया था कि ऐसा नहीं है कि क्रो को देखते ही किसी की मौत हो जाती है लेकिन कही कहीं ना कहीं कौवा एक बुरे समाचार का सूचक माना जाता है तो यहाँ पर डेथ नहीं होकर आपका राइट ऑप्शन होगा सौरो यानी दुख या बुरी खबर के बारे में आप इसको कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर ये आया था द लॉस्ट बॉल पोएम से जो कि जॉन बेरीमैन की लिखी हुई है वेयर हैज़ द बॉय लॉस्ट इज़ बॉल इसके ऑप्शंस थे इन द स्कूल इन द प्ले ग्राउंड इन द डेजर्ट इन द वाटर तो इसका राइट right आंसर था ऑप्शन फोर इन द वाटर वो बॉल उसके पानी में चली गई थी अब कुछ सवाल और सप्लीमेंट्री रीडर से सबसे पहला थर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव आप देखिए हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज इलनेस तो ये जो क्वेश्चन है ये दिया गया है अ ट्राइम्प ऑफ सर्जरी से तो ट्राइम्प ऑफ सर्जरी में ट्रिकी की बीमारी का कारण किसे बताया गया ऑप्शन वन ट्रिकी खुद ऑप्शन बी हॉचकिन जो कि कार्डिनर थे ऑप्शन थ्री मिसेस पम्फरी या ऑप्शन फोर मिस्टर हेरियोट तो इस चैप्टर में हमने देखा था कि मिसेस पम्फरी बहुत खाना खिलाती थी तो इसका राइट right ऑप्शन था ऑप्शन थ्री मिसेस पम्फ्रे क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स अब पूछा गया था हु इज मिसेस पम्फरे उसी लेसन से क्या वो कौन थी ओनर ऑफ द डॉग यानी डॉग की मालकिन वेटरिन्री सर्जन क्या वो पशु चिकित्सक थी गार्डनर वो माली थी या नन ऑफ दिज सॉरी दज अ मिस्टेक हमने उसको कन्वर्ट किया है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ आपको टाइपो वायरस दिख रहे हैं तो हु इज मिसेस पम्फरे का राइट ऑप्शन था ऑप्शन वन ओनर ऑफ द डॉग क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन अकॉर्डिंग टू मिसेस पम्फरे ट्रिकी व सफरिंग फ्रॉम उनके हिसाब से उनके डॉग को क्या प्रॉब्लम थी नंबर वन एलर्जी नंबर टू फीवर नंबर थ्री मैल न्यूट्रीशन नंबर फोर कोल्ड तो चैप्टर में हमने देखा मिसेस पंफरीव अपने डॉग को लगातार खिलाती थी ये सोच कर कि उसे भूख क्यों नहीं लगती तो वो समझती थी कि उसका डॉग कुपोषण या मैल न्यूट्रिशन का शिकार है तो क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन का राइट ऑप्शन तो था ऑप्शन थ्री मैल न्यूट्रीशन क्वेश्चन नंबर थर्टी एट हरी सिंह वॉज अ ये चैप्टर का नाम है द थीव्स स्टोरी तो पूछा गया है कि हरि सिंह जो उस कहानी में था वो कौन था वो एक क्लर्क था एक डॉक्टर था एक राइटर था या थीफ था हरि सिंह दरअसल एक थीफ था चोर था जो बार बार अपने नाम को बदलता रहता था तो इसका राइट ऑप्शन था ऑप्शन फोर थीफ या चोर अब दो सवाल और बचे क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन हु वॉज अनिल इन द स्टोरी द थीफ स्टोरी द थीफ स्टोरी से ही अगला सवाल अनिल क्या करते थे नंबर वन रेस्लर रचले यानी जो कुश्ती करे नंबर टू लॉक मेकर जो ताला बनाए नंबर थ्री साइंटिस्ट या ऑप्शन फोर मैगजीन राइटर तो अनिल क्या करते थे वो अपने रोजगार के लिए मैगजीन्स लिखते थे तो इसका राइट right ऑप्शन होगा थर्टी नाइन का ऑप्शन फोर मैगजीन राइटर एंड नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी हाउ ऑफन डिड द बॉय द थीफ चेंज हिज नेम ये जो हरी सिंह लड़का था जो चोर था वो कितनी बार अपने नाम बदलता था ऑप्शन से एवरी डे एवरी मंथ एवरी वीक या एवरी ईयर तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन टू एवरी मंथ सो विद दिस वी एंड आवर की टू एम सी क्यूज एंड आई जस्ट होप यू हैव स्कोर्ड फुल मार्क्स इन दिस पेपर थैंक यू